Have a good morning, everyone. Would like to welcome you all. दो हजार तेईस का और यहाँ पर हम लोग देखेंगे कौन सी इम्पोर्टेंट न्यूज है जो की आपको पता होनी चाहिए एंड बहुत बेहतरीन तरीके से उसको डीकोड करेंगे हर हफ्ते आपको ये जो डेली डोज ऑफ करेंट अफेयर मिल रही है राइट एट सेवन ए एम इन द मॉर्निंग सात बजे सुबह मुझे ऐसा लगता है दिस इज दू स्टार्ट योर डे बिकॉज इससे आप ना सिर्फ अपने आप को अपडेटेड रखते हैं बल्कि एग्जाम ओरिएंटेड जो करंट अफेयर है वो आपको करवाई जाती है जो कि अपने आप पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हर हालत में आपको ये करना चाहिए यू शुड बी मिसिंग आउट ऑन दिस सेशन दैट्स अ बेसिक थिंग नाउ एक जो यहाँ पे इन पर्टिकुलर सेशन का फीचर आपको दिखाई देगा वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है दैट इज मैं क्वेश्चन पूछता हूँ जो भी स्टूडेंट्स कमेंट्स करते हैं उनके कमेंट्स को यहाँ पे हाईलाइट किया जाता है फीचर किया जाता है जिससे कि आप भी इस पूरे प्रोसेस में अपनी एक भागीदारी देख सकते हैं एक आप स्टेक होल्डर है इस प्रोसेस का विच एक्चुअली इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग अगर आप पहली बार इस सेशन में आए हैं डू सब्सक्राइब टू तो द चैनल एंड बाइबी चीफ डिफेंस अगर आप इस सेशन को पसंद करते हैं डू कमेंट एंड लेट अस नो डू गिव योर इनपुट्स एंड डू शेयर द सेशन विद ऑल योर फ्रेंड्स कल मैंने कुछ क्वेश्चन पूछे थे आपसे कल के सेशन में उसका आपने सक्सेसफुली आंसर भी दिया है बहुत स्टूडेंट्स ने वो मैं आपको सबसे पहले तो दिखाना चाहूंगा सवाल कुछ बहुत आसान थे सवाल था भाई न्यू डेवलपमेंट बैंक और ए, 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 ए के हेड क्वार्टर्स थे तो न्यू डेवलपमेंट बैंक शंघाई में है ए, ए, ए बीजिंग में है सिंपल सी बात है दोनों चाइना में वैसे तो कैटोपेक्सी वॉल के ना इक्विडोर में है। बहुत बढ़िया युवराज ने आंसर दिया देव्यांग ने भी बढ़िया पार्टिसिपेशन दिखाई है विभा सिंह रिंकू खोखर है देन ये अगॉट संकेत आंसर दे रहे हैं रिंकू ने एक और आंसर दिया है काजल केश कांति हमारी पुरानी स्टूडेंट्स है मोहित मंगला बहुत पुरानी स्टूडेंट है ये सभी स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने सही जवाब दिया है तो आप यहाँ पे इनके आंसर्स देख सकते हैं अगर आपने पिछला सेशन ही देखा उसको जाके देखें और आपको रियलाइज होगा कि क्यों ये क्वेश्चन पूछे गए थे और किस हिसाब से उन्होंने आंसर दिया है यूनि रियलाइज दैट पर्टिकुलर फैक्ट नाउ बिफोर आई मूव एंड मूव टू द हेडलाइंस जो कि आज हम लोग कवर करेंगे सबसे पहले मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट बता देना चाहता हूँ इंपॉर्टेंट बात बता देना चाहता हूँ बी इसको सब्सक्राइब जरूर कर लें क्योंकि

फोब की जो लिस्ट ऑफ मोस्ट पावरफुल वुमेन है उसमें टॉप फिफ्टी में जगह मिली है ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है उसके बाद किस तरह से डबल हम कैमल को ईस्टर्न लद्दाख में डिप्लॉय किया गया है और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने वर्ड जो है वर्ड ऑफ द ईयर हमेशा लेकर आते हैं

डिजिटल बिट इन ऑर्डिनरी कंप्यूटर ये बहुत इंपॉर्टेंट है तो आपको एक चीज पता होनी चाहिए कि किस प्रकार से यहाँ पे जो हम लोग मशीन को ज्यादा एर बनाना चाहते हैं और हम लोग उनको कम्पैक्ट ही रखना चाहते हैं बहुत बड़ा नहीं रखना चाहते तो आप जब इस तरह की चिप्स यूज करेंगे तो डेफिनेटली बहुत छोटी जगह पे बहुत हाई प्रोसेसिंग पावर आप देखेंगे जो कि विद टाइम होता ही रहा है आप देखिए आगे से आगे, आगे आपके डिवाइसेस बहुत बड़े नहीं हो रहे हैं बहुत कॉम्पैक्ट हो रहे हैं लेकिन वो उतने ही पावरफुल हैं पहले जो इतने बड़े बड़े पीसीज होते थे लैपटॉप है बहुत पावरफुल है ये इन्हीं चिप्स का कमाल है ये आप याद रखेगा और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हम लोग जब भी बात करते हैं क्वांटम चिप की इट विल कंटेन क्वांटम बिट्स एंड इट सर्व एज क्वॉंटम प्रोसेसर फॉर द क्वांटम कंप्यूटर्स समझ आ रहा है इतना एक आप सिंपल सा पॉइंट याद रखिएगा कि क्वांटम कंप्यूटर बेसिकली क्या करता है इट हार्नेस द क्वांटम मैकेनिक्स टू डिलीवर ह्यूज लीप फॉरवर्ड इन द प्रोसेसिंग पार्ट बेसिकली क्वांटम कंप्यूटर क्या है हम लोग कई बार बात करते हैं बहुत ज्यादा पावरफुल कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर्स की उसी लीग के अंदर हम लोग इनको रख के देखते हैं सो वी हैव टू बी नोइंग दिस थिंग कि किस तरह से जो क्वांटम कंप्यूटिंग है उसके अंदर हम लोग काफी आगे जा रहे हैं इंटरनेशनल लेवल पे मैं आपको बस ये बताना चाहता हूं कि आप कभी ये नोटिस करिएगा इंडिया में भी वी हैव गॉट नेशनल मिशन ऑफ क्वांटम कंप्यूटिंग तो आप एक चीज नोटिस करना मतलब ये जो पर्टिकुलर हमारा मिशन है नेशनल क्वांटम मिशन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है याद है तो हमें ये जरूर पता होना चाहिए कि नेशनल क्वांटम मिशन जो है वो क्वांटम टेक्नोलॉजीज के लिए ही है जो प्रोसेसिंग पावर है उसको बढ़ाने के लिए है उसके ऊपर बस थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा कि मैंने अभी टॉक अबाउट इंडिया वी हैव गॉट नेशनल मिशन ऑन क्वांटम टेक्नोलॉजीज एंड एप्लीकेशंस ये तो ये अभी रिसेंटली भी बहुत ज्यादा न्यूज़ में था अगेन वी आर बेसिकली डूइंग अ लॉट कि किस तरह से हम लोग सुपर कंप्यूटर हैं सुपर कंडक्टर्स हैं उनको और ज़्यादा इंप्लीमेंट करें ये बहुत इंपॉर्टेंट है रिसेंटली क्वेस्ट प्रोग्राम है ट्रिपल आई टी हैदराबाद भी इसी लाइन में है सो बस आपने ये ध्यान रखना है कि सुपर कंप्यूटर्स जो है वो इसी लाइन में रहते हैं एंड नेशनल मिशन ऑन क्वांटम टेक्नोलॉजी जो है वो इंडिया इसी लाइन में करता है पर अभी के लिए जो न्यूज में है बहुत ज्यादा दैट इज आई बी एम का कॉन्डोर और किस तरह से ये प्रोसेसर लेकर आए ये चीजें आपको थोड़ी सी पता होनी चाहिए वेरी मच इंपॉर्टेंट चीज़ आप लेस ना मूव टू द नेक्स्ट वन अगले जो एस्पेक्ट है उसके ऊपर बढ़ते हैं देखिए अब आप एक चीज नोटिस करिएगा कि एनसीआरबी की हम लोग कई बार बात करते हैं सबसे जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है नेशनल क्राइम यू नो रिकॉर्ड्स ब्यूरो के बारे में वो भी मैं बात करूंगा किस मिनिस्ट्री के अंडर आती है वो भी हम लोग बात करेंगे सबसे पहले आप ध्यान रखें अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट रिपोर्ट ऑफ एनसीआरबी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो पहले तो अभी ये याद रखें कि एनसीआरबी जो है एक बॉडी है है वो किसके अंदर आती मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के के अंदर आती, के अंदर आती आती है है एमएचए हालांकि कोई पूछेगा नहीं बट स्टिल नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की बात कर रहा हूं उसके हिसाब से डेली वुमेन uh, तो आपको बस ये ध्यान रखना देखिए इसका मतलब ये नहीं कि बाकी जगह पे मेन के अगेंस्ट क्राइम नहीं हो रहा इसका मतलब ये भी है कि यहाँ पे रिपोर्टिंग बहुत ज्यादा है समझ रहे हैं आप दो चीजें हैं अब मान लीजिए एक महिला के खिलाफ कुछ भी किसी भी प्रकार का क्राइम हुआ हो सकता है महिला किसी के सामने आए ही ना उसको बताने के लिए हो सकता है वो रिपोर्ट ही ना करे तो डेली में रिपोर्टिंग भी ज्यादा है एनी वेज तो वी हैव टू अंडरस्टैंड अंडरसेंडिंग आप देखो शहर ही है जैसे आफ्टर डेली वी हैव गॉट लाइक मुंबई बेंगलुरु तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है तो आप बस ये याद रखिए कि डेली इज ऑन द टॉप ऑफ दिस पर्टिकुलर थिंग

ठीक है तो अब देखो कुल cool मिला के यही पॉइंट्स हैं कि आपको मतलब अवेयर रहना है इन चीजों से एंड इससे क्या है आपको पूरी की पूरी जो क्लैरिटी है वो मिलती है क्लाइमेट की अब थोड़ी सी बात करेंगे और हर तरह से वो इंपॉर्टेंट है तो थोड़ा सा आपको उसके बारे में ध्यान रखने की किस तरह से क्वेश्चन आ सकता है अब देखिए जो डब्ल्यू है

वो वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन लेकर आती है ये बात याद समझते हैं आप, जो हीट को ट्रैप कर लेती है हीट को ट्रैप करती है that's very much important. ये आप थोड़ा सा याद रखेगा और 1950 में स्टेबलिश हुई थी ये तो मैंने आपको बताई दिया जीनीवा में बेस्ड है बस आपने ये चीज को ध्यान रखना है वेरी बेसिक पॉइंट तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है इसके मैं कुछ स्पेसिफिसिटीज में जाना चाहूंगा क्योंकि वो कई बार आपको स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में आ जाता है तो विल बी गोइंग स्पेसिफिसिटीज एज वेल थोड़ा बहुत की फाइंडिंग्स में बस आप ये ध्यान रखिएगा जैसे 2011 से 20 तक इज द वॉर्मेज डेकेड ऑन रिकॉर्ड पहली बात तो लैंड और ओशन दोनों के लिए दूसरी बात आप एक चीज यहाँ पे नोटिस करना कि किस प्रकार से यहाँ पे हम लोग देखते हैं मरीन हीट वेव्स के बारे में भी बोला गया है जैसे सी का जो टेम्परेचर है चार डिग्री बढ़ जाता है, तो है? है. है, है, है. An mm है. साढ़े चार एम एम पर ईयर की रफ्तार से सी लेवल हमने ऊपर जाते हुए तो दूसरी बात यह याद रखेगा फोर पिलर फूड सिक्योरिटी के एक्सेस

इन्होंने बहुत ज़्यादा बड़ी एक भूमिका निभाई है सो दैट्स द रीजन वाई ही हैज बिन अवॉर्डेड दिस पर्टिकुलर अवॉर्ड सो ये बहुत बेसिक सा पॉइंट है अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा जैसे हम लोग बात करते हैं यहाँ पे ही बाकी अवार्ड्स की जैसे हम लोग बात करते हैं आरसीबी uh, को स्पोर्ट्स फ्रेंचाइजी ऑफ द ईयर अवार्ड मिला है तमिलनाडु को मिला है एज अ स्टेट जो स्पोर्ट्स प्रमोशन बहुत अच्छा कर रही है ये सब चीज़ें हैं तो मतलब ये कुछ कुछ दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो कि आपको यहाँ पे पता होने चाहिए वेरी मच इंपॉर्टेंट दिस इज यू हैव टू कीप इन माइंड नेक्स्ट मैं बताना चाहूंगा इंडियन ओरिजिन नोवलिस्ट जो है मीरा चंद उनके बारे में हम लोग बात करते हैं बिकॉज इनको सिंगापुर का हाईएस्ट आर्ट अवार्ड मिला है यहाँ पे दो चीजें जानने लायक है पहले तो आपको पता होना चाहिए किसको मिला है मीरा चांद को मिला है किस फील्ड में मिला है आर्ट्स के फील्ड में मिला है और किसने दिया है सिंगापुर ने दिया है ने बस ये आपको ध्यान में रखना है क्योंकि आप नोटिस करेंगे हर आर्टिस्टिक जो एक्सलेंस है और कंट्रीब्यूशन है इट हैज द कंट्रीज आर्ट एंड कल्चर सीन ये बहुत इंपॉर्टेंट है तो आप बस एक चीज नोटिस करिएगा किस तरह से इंडियन ओरिजिन की मीरा चांद जो है उनको सिंगापुर में ये अवार्ड मिला है बस इतना आपको पता होना चाहिए वेरी मच इंपॉर्टेंट दिस इज ये फैक्ट कई बार डायरेक्टली पूछ भी लेते हैं और एक चीज आप नोटिस करिएगा कि जब भी हम लोग मीरा चांद की बात करते हैं शी इज अवार्ड विनिंग नॉवलिस्ट ऑल्सो आपको शायद पता होगा इनका अगर मैं बहुत सारे वर्क की बात करूं जो पेंटेड केज uh, है 1986 का इट वाज लॉन्ग लिस्टेड फॉर द बुकर्स प्राइज एज वेल तो मतलब दिस टेल्स यू द लेवल ऑफ आर्टिस्टिक जो एक एक्मिन होता है जो एबिलिटी होती है इनकी वो आपको यहां से पता चलती है विच एक्चुअली इज वेरी मच इंपॉर्टेंट ठीक है जी चलिए आगे बढ़ते हैं मूविंग अहेड नाउ टू द नेक्स्ट पॉइंट निर्मला सीतारमन साहब जी की मैं बात करूंगा मैम की बात करूंगा ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर यहाँ पे इनको थर्टी से थर्टी सेकेंड रैंक मिला है मतलब टॉप थर्टी टू में आई है ये इन द मोस्ट पावरफुल वेमेन बहुत बड़ी बात है उसके बाद हम लोग बात करते हैं जैसे uh, इनके अलावा एच एल टेक्नोलॉजी की चेयरपर्सन रोशनी नदार है यू uh, नो uh, देन you वी know, हैव गॉट यू नो uh, you know, चेयरपर्सन ऑफ स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड uh, बायोकॉन की जो uh, ओनर है मतलब जो हेड है किरण मजूमदार इनको भी मोस्ट पावरफुल वेमेन की लिस्ट में डाला गया है बट देन अगेन जो थर्टी सेकेंड नंबर पे है निर्मला सीतारमन जी बहुत ज्यादा इंस्पिरेशनल है सबके लिए ये आप थोड़ा सा याद रखेगा और मोस्ट इंस्पिरेशनल वेमेन जो है हु लीड्स द लिस्ट इज यूरोपियन कमीशन के उर्सुला वॉन ये आपको पता होना चाहिए वेरी मच इंपॉर्टेंट दिस इज तो आपको ये जरूर ध्यान में रखना है कि किस प्रकार से ये जो लिस्ट है इसमें कौन टॉप कर रहा है कौन अपनी जगह बना रहा है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये आपने थोड़ा सा ध्यान यहाँ पे रखना है एक चीज आप यहाँ पे नोटिस करना की सेकेंड पोजीशन जो है जैसे आप यहाँ पे क्या देख रहे हो फर्स्ट पोजीशन जो है दैट इज बाय द उर्सुला वॉन एंड आप यह नोटिस करना कि सेकंड पोजीशन इज बाय यूरोपियन सेंट्रल बैंक प्रेसिडेंट जो क्रिस्टीन लगाडे है ये आप देखते हैं थर्ड में कमला uh, हैरिस आ रही है तो ये महिलाएं हैं कुछ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पोजिशन है ग्लोबल सनारियोज में उसके हिसाब से इनको ये रैंकिंग मिली है इंडियन आर्मी ने डिप्लॉय किया है किसको डबल हेम्ड कैमल्स को लॉजिस्टिकल सपोर्ट के लिए कहाँ पे ईस्टर्न लद्दाख में ये बहुत इंपॉर्टेंट है टू हम्ड कैमल जो होता है बेसिकली वहाँ पे उनको डिप्लॉय किया गया है ये बहुत इंपॉर्टेंट है बस आपको ये ध्यान रखना है क्वेश्चन आता है कि भाई कौन से एनिमल को डिप्लॉय किया डबल हेम्ड कैमल को किया है और कहाँ पे किया है इन द ईस्टर्न लद्दाख मतलब ईस्टर्न लद्दाख मतलब क्या हो गया चाइना के बॉर्डर के पास तो वहाँ पे वी हैव डिप्लॉयड दैट तो बहुत टफ टेरेन है वहाँ पे इनको किया गया है Uh, एक चीज आप नोटिस करना कि डीआरडीओ ने बहुत रिसर्च भी किया है पे कि वो सरवाइव कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे लेकिन ये ये बाद में डीआरडीओ ने खुद से किया है दैट दे आर ऑफ ऑफ कैरिंग अ लोड सबसे बड़ी बात है तो आप ये नोटिस करना कि इतना ज्यादा जो वेट है अगर वो कैरी कर सकते हो डेफिनेटली दे आर गोइंग टू बी वेरी मच सक्सेसफुल दैट ये यहां पर पॉइंट है जो कि हमें ध्यान में रखना है क्लियर है चलिए नेक्स्ट में अब यहाँ पे बात करना चाहूंगा अबाउट ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटीज ने वर्ड वर्ड को ऑफ द ईयर डिक्लेयर कर दिया है वेरी मच इंपॉर्टेंट दिस इज तो ये कई बार आता है वर्ड ऑफ द ईयर जो है वो कौन सा है बस इतना याद रखिएगा रेस जैसे कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी भी अपना वर्ड ऑफ द ईयर निकालती है अभी ऑक्सफोर्ड ने निकाला है तो वो पूछते रहते हैं एग्जाम में कि भाई कौन सा वर्ड ऑफ द ईयर है तो यू शुड नो दैट या इज द वर्ड ऑफ द ईयर फॉर दिस ईयर तो ये आपको पता होना चाहिए इंपॉर्टेंट क्या है इंपॉर्टेंट ये है uh, कि जो वर्ड है ये बहुत वायरल हुआ था अभी रिसेंटली क्योंकि टॉम हॉलैंड ने ये यूज़ किया था इंटरव्यू में रिज मीन्स रोमांटिक अपील तो ये आपको थोड़ा सा एक आइडिया होना चाहिए दिस कैन बी यूजफुल फॉर इंग्लिश एज वेल यू कैन डाउनलोड द एम ऐप अगर आपने अभी तक नहीं की है जो कि आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल होगी एंड ऑन टॉप ऑफ दैट आज की क्लास की एक रिविजन कर लेते हैं लेट्स सी कितने लोग आंसर कर पाते हैं सिंपल से क्वेश्चन से स्टार्ट करूंगा इट सेज सिटी हैज रिकॉर्डेड हाईएस्ट नंबर ऑफ द केसेस जो रिपोर्ट uh, uh, आई है अभी अभी ठीक है सो रिपोर्ट वॉज यूज रिलीज बाईटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज ठीक है अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट सी लेवल रोज एट दिस पर्टिकुलर लेवल तो देखिए

मैं ये नहीं पूछ रहा हूँ कि किसको फीचर किया गया है मैं मैं यहाँ पे सवाल पूछ रहा हूँ कि किसको फीचर नहीं किया गया है दैट्स माई क्वेश्चन तो आई थिंक अभी हमने चर्चा की है ऑफकोर्स uh, सोमा मंडल रोशनी नदार किरण मजूमदार लेकिन ज्योति आचार्य की तो नहीं की है सो आई थिंक ए एलिमिनेशन से आ रहा है ए शुड बी द राइट आंसर एंड ए डेफिनेटली इज गोना बी द राइट आंसर आगे बढ़ते हैं इंडियन आर्मी ने डिप्लॉय करने का सोचा है uh, डबल हम कैमल को कहां पे ईस्टर्न लद्दाख में ये तो आपको पता right तो आप बहुत सारे मतलब जो मतलब आप से उसको कर सकते हैं. अब ये जो क्वेश्चन है ये मान लीजिए डे कि भाई जब हम बात करते हैं ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की हम बात करते हैं तो उन्होंने कौन सा वर्ल्ड ऑफ द ईयर डिक्लेयर किया है इन चारों में से आपको यहां पे कमेंट करके बताना है यू हैव टू टू कमेंट एंड लेट मी नो व्हाट एग्जैक्टली इज द आंसर दिस सिंपल क्वेश्चन है आज का बहुत आसान क्वेश्चन है तो आराम से आप आंसर कर सकते हो नाम आपका फीचर हो जाएगा उसकी आप चिंता बिल्कुल मत करें सो दैट्स वेरी मच एट डू ज्वाइन एम बाइब डिफेंस अगर आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है अभी तक डू ज्वाइन दैट डाउनलोड द एम्बाइब ऐप एज वेल Uh, जिसके ऊपर बहुत uh, ज़बरदस्त तरीके से हम लोग क्लासेज जो है वो कंडक्ट करने वाले हैं बहुत बेहतरीन तरीके से आपको कंटेंट जो है वो यहाँ पर डिलीवर किया जाएगा हमेशा की तरह एंड विल विल ट्राई टू मेक श्योर कि किस तरह से जो कंटेंट है उसकी क्वालिटी जो उसको टॉप नॉच रखा जाए आप सबके लिए सो दैट्स दैट्स अ मेन आइडिया विच वी हैव एंड थैंक यू सो वेरी मच आप रेगुलरली आते हैं सेशन में बहुत uh, एक बढ़िया चीज़ है ये और इसी तरह से आप सेशन जो है उसके अंदर Uh, अपनी जो एक पार्टिसिपेशन है उसको दिखाते रहे बढ़िया तरीके से ग्रो करते रहे दिस इज वॉट आई वुड ऑलवेज बी वॉन्टेड थैंक यू सो वेरी मच इट वॉज ग्रेट दिस सेशन जय जय हिंद भारत हैव नाइस डे